आज मैं आपके लिए पतला होने के बहुत ही आसान से उपाय लेकर आई हूँ, क्योंकि अनियमित भोजन और जंक फूड के लगातार सेवन से लोग मोटापे के शिकार हो रहे हैं। मोटापे से परेशान लोग खुद को फिट और पतला रखने के लिए योग, एक्सरसाइज और मॉर्निंग वॉक के साथ अपने खान पान में बदलाव कर रहे हैं। ऐसे कई घरेलू तरीके हैं जिनके नियमित इस्तेमाल से वजन कम किया जा सकता है। पुदीना। पुदीना में कई औषधीय गुण होते हैं। इसकी तासीर ठंडी होने के कारण ये पेट के विकारों को ठीक करने में अधिक उपयोगी है। पुदीना हमारे वजन को कम करने में भी मदद करता है। पुदीने की ताजी हरी पत्तियों की चटनी खाने और पुदीना की पत्ती की चाय के नियमित सेवन से वजन कंट्रोल होता है। इसके मोटापा कम करने में भी मदद मिलती है। लौकी। लौकी फाइबर और विटामिन से भरपूर होती है, इसलिए अपने नाश्ते में आप 2 लौकी का चीला, आधा कप दही और 1 सेब लें। एक बात का ध्यान रखें कि आपके नाश्ते और मिड मील के बीच एक अच्छा गैप होना चाहिए। आप मिड मील में 1 गिलास छाछ पिएं या फिर इसके अलावा आप 1 कटोरी कोई भी फल खा सकते हैं। लंच में आप रागी, इडली, वेजिटेबल उपमा, दलिया आदि जैसी चीज़ें खाएं। ये फाइबर और प्रोटीन युक्त लंच आपके शरीर को आवश्यक पौष्टिक भोजन प्रदान करने में मदद करता है, जो वजन घटाने में आपके लिए असरदार साबित होगा। शाम को 4 बजे के करीब दूध वाली चाय की जगह ग्रीन टी पिएं। ये वजन कम करने में बहुत मदद करती है। अपने रात के खाने को एकदम समय से खाएं। अपने डिनर को 7 या 7:30 बजे तक खा लें। अपने रात के खाने में ब्राउन राइस और सब्जियां लें। इसके अलावा आप मिक्स वेजिटेबल सूप या फिर भाप में पकी हुई सब्जियां भी खा सकते हैं। गाजर हम कई तरीके से खा सकते हैं। गाजर में कई तरीके के विटामिन होते हैं। गाजर खाने से कब्ज की समस्या से निजात मिलती है। भोजन में गाजर के नियमित उपयोग से हमारे पेट की चर्बी कम होने लगती है। सौंफ। सौंफ भोजन के बाद माउथ फ्रेशनर के रूप में अक्सर लोग सौंफ का इस्तेमाल करते हैं। सौंफ हमारे पाचन प्रक्रिया में भी मदद करता है। इसके नियमित सेवन से वजन कम करने में मदद मिलती है। साथ ही सौंफ आंखों की रोशनी, अस्थमा और कोलेस्ट्रॉल के इलाज में भी फायदेमंद होती है। वजन कम करने के लिए सौंफ को पानी में डालकर 10 मिनट उबालना होता है। इसके बाद इसे छानकर पीने से कम वजन करने में मदद मिलती है। इसके बेहतर परिणाम के लिए 3 महीने तक सौंफ के पानी को इसी तरीके से पिएं। पपीता। पपीता कई तरीके के विटामिन और पोषक तत्व से भरपूर होता है। ये पाचन तंत्र को मजबूत करता है। साथ ही इसके नियमित सेवन से शरीर में मौजूद अतिरिक्त चर्बी को कम किया जा सकता है। पपीते में मौजूद फाइबर अतिरिक्त फैट को कम करने और बॉडी को डिटॉक्स करने में मदद करता है। दही के नियमित इस्तेमाल से मोटापा कम करने में, वजन घटाने में मदद मिलती है। ये फैट बर्नर का काम करता है। दही को अपने रोजाना लंच और डिनर में शामिल करें। दही में प्रोबायोटिक्स होता है जो पाचन तंत्र को दुरुस्त रखता है और मोटापे को कम करने में मदद करता है। छोटी पीपल। छोटी पीपल कई बीमारियों के इलाज में काम आती है। सर्दी खांसी में इसे शहद के साथ लेने से आराम मिलता है। इसके नियमित इस्तेमाल से मोटापे को कम किया जा सकता है। इसके लिए आप इसके बारीक चूर्ण को कपड़े में छान कर रख लें। अब इसे चूर्ण को 3 ग्राम मात्रा में नियमित रूप से सुबह के साथ छाछ के साथ लेने से पेट के आसपास जमा चर्बी कम होने लगती है। कार्बोहाइड्रेट्स वाले खाद्य पदार्थों का सेवन कम कीजिए। कार्बोहाइड्रेट से भरपूर खाद्य पदार्थों के अधिक उपयोग से मोटापा होता है। शक्कर, आलू और चावल में सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है। ऐसे में इन्हें अपनी डाइट से अलग कर दें। मोटापा कम करने के लिए गेहूं के आटे की रोटी की जगह गेहूं, सोयाबीन और चने को बराबर मात्रा में पिसवाकर उससे तैयार आटे की रोटी खानी चाहिए। इससे वजन कम करने में मदद मिलती है। डाइट में फलों और सब्जियों को नियमित रूप से शामिल करना आपको कई फायदे पहुंचा सकता है। फलों और सब्जियों के इस्तेमाल से वजन कम करने में मदद मिलती है। इनमें बहुत कम मात्रा में कैलोरी होती है जो मोटापा कम करने में मदद करता है। आंवला। आंवला और हल्दी के इस्तेमाल से वजन कम करने में मदद मिलती है। इसके लिए दोनों को समान मात्रा में लें और इसे पीसकर इसका चूर्ण बना लें। अब इस चूर्ण को छाछ के साथ नियमित रूप से लेने से कुछ ही दिनों में वजन कम होने लगता है। खाने में ऊपर से हरी मिर्च या काली मिर्च को शामिल करने के कई फायदे हैं। इससे वजन भी कम किया जा सकता है।
मिर्च में कैप्साइसिन नामक तत्व होते हैं जिससे भूख कम लगती है और ऊर्जा की खपत होती है। इससे तेजी से वजन कम होने लगता है। सलाद में काली मिर्च और सेंधा नमक डालकर खाएं, इससे वजन कम करने में मदद मिलती है। इसे खाने से शरीर को बहुत सारे विटामिन्स मिलते हैं, जैसे कि विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन के, आयरन, पोटेशियम, लाइकोपिन और ल्यूटिन मिलता है। इसे खाने से पेट जल्दी भर जाता है। रोजाना नियमित रूप से सुबह एक गिलास ठंडे पानी में 2 चम्मच शहद मिलाकर पीने से कमर और पेट की चर्बी कम होने लगती है। करेला, करेले की सब्जी खाने से वजन कम होता है, इससे कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी कम होता है। करेले का जूस डायबिटीज के रोगियों के लिए बेहद फायदेमंद है। करेले के अलावा मोटापा कम करने के लिए सहजन का नियमित इस्तेमाल किया जा सकता है, ये वजन कम करने में मदद करता है। अलसी, अलसी के बीज पेट की चर्बी को कम करने में मदद करते हैं, क्योंकि इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड और फाइबर भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। इसका यूज करने के लिए बीज को 4 मिनट के लिए धीमी आंच पर गर्म करके ठंडा करें और एक कंटेनर में रख लें। इसे खाना खाने के बाद 1 चम्मच पानी के साथ लें। ऐसा करने से पेट की चर्बी कम होती है। अजवाइन, अजवाइन पेट के लिए बहुत फायदेमंद होती है, ये भी चर्बी घटाने में मदद करती है। पेट की चर्बी घटाने के लिए अजवाइन का पानी पिए। अजवाइन का पानी बनाने के लिए गैस पर एक पतीला रखें और उसमें 1 गिलास पानी डालें। जब पानी उबलने लगे तब उसमें 1 चम्मच अजवाइन डालकर पानी को तब तक उबालें जब तक कि वो आधा ना रह जाए। फिर ठंडा करके उसे दिन भर में थोड़ा थोड़ा करके पिए। इस तरीके से मोटापा कम होता है। अगर आपको मेरे ये टिप्स पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों रिश्तेदारों को शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।